हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। मैं आपको टॉपिक कवर करवा रही हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक आपको कवर करवा दिया था कि डिसोल्यूशन क्या होता है, हाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, इसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, इतना टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया था। और ये मैंने पार्ट ए में अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और आज ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट की और लाइबिलिटीज़ की, क्या होती है अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज़, साथ ही साथ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को हम कैसे क्लोज करते हैं, बैंक अकाउंट क्या है, और ये कुछ टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इट्स रिक्वेस्ट आप पहले पार्ट वन देखिए इसका, तभी आपको पार्ट टू जो है वो समझ आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी। हमेशा ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें यह समझ नहीं लगता कि क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी। ट्रीटमेंट तो है वो गलत करते ही हैं, पहले तो उनको मीनिंग ही क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगी कि क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटीज़ इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए आपने अपनी फर्म में कुछ कंप्यूटर्स मंगवाए थे, ठीक है, कंप्यूटर्स मंगवाए 10 लाख के, और आपने 10 सालों में उन्हें क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्योंकि उनको राइट ऑफ कर दिया है तो बुक्स में उनकी वैल्यू कितनी शो होगी, नील हो जाएगी, ठीक है। 10 लाख खर्चा किया था, 10 सालों में सारा का सारा खर्चा आपने धीरे धीरे करके अपने P&L में डालते गए, और आपके बैलेंस शीट में जो एसेट है वो क्या होगी, नील होगी। लेकिन जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करने लगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को करने लगे, उस टाइम पर क्या हुआ, आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं वो बुक में तो शो नहीं हो रहे थे, लेकिन कंप्यूटर्स वैसे आपके पास फिज़िकल फॉर्म में पड़े हुए थे। क्योंकि आपके पास आपकी फर्म में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो अब आप डिसोल्यूशन के टाइम पर उन कंप्यूटर्स को बेच दोगे, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं दैट इज़ योर अनरिकॉर्डेड एसेट, ये आपकी क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट होगी। अब ये दिक्कत आ गई कि बुक्स में तो एसेट शो नहीं हो रही आपकी, लेकिन फिज़िकल फॉर्म में पड़ी हुई है, और जब मार्केट में उसको सेल करते हैं तब आपके हाथ में पैसा भी आ जाता है। अब इस पैसे को हम कहाँ पर शो करेंगे, तो एक सिंपल सा तरीका है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में कंप्यूटर्स को डेबिट साइड बिल्कुल नहीं डालना, बट उससे जो पैसे आएंगे दैट इज़ गेन फॉर द पार्टनरशिप फर्म, उसको आपने क्रेडिट साइड में शो कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं रीड करती हूँ, एन अनरिकॉर्डेड एसेट वुड नेवर बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम इट्स सेल इज इन द नेचर ऑफ गेन एंड द रियलाइजेशन अकाउंट इज ओनली क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। जितना भी पैसा आएगा वो आपने क्या कर देना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में शो कर देना है, लेकिन आपने उन कंप्यूटर्स को, उन अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करना। सेम ट्रीटमेंट होगी अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपके हाथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, आपने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया और उसे डिस्काउंट करवा लिया, उसके बदले में बैंक आपको कैश दे देगा, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पर
वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिसओनर हो गया। क्योंकि वो डिसओनर हो गया, आप बैंक आपसे पैसा मांगेगा कि हमें पैसे दो, अब ये क्या होगी, लाइबिलिटी अराइज होगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। अब ये जो लाइबिलिटी है दैट इज़ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, बट ये आपके लिए लॉस है। क्योंकि ये आपके लिए लॉस है इसलिए आप इसको रियलाइजेशन की डेबिट साइड में शो करोगे। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना। जैसे कि आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में सारी एसेट्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम सारी लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ को पे करके जो पैसा आएगा वो आपने टू कैश कर देना है, और एसेट को बेच कर जो पैसा आपके पास आएगा उसको बाय कैश कर देना है, ठीक है। अब जो नेट बैलेंस होगा रियलाइजेशन का वो किसको जाएगा, वो जाएगा आपके पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो आपने लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको क्या होता है प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन पर, अगर लॉस होता है तो ये जाएगा एंट्री जो है उसे रिवर्स कर देना है, दैट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस का मतलब ये है कि पार्टनर्स पैसे और लेकर आएंगे, क्योंकि पार्टनर्स और पैसे लेकर आएंगे तो उसे हमने क्या कर देना है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमने बंद कर दिया, हमने अपना अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना है। कैपिटल अकाउंट कैसे बंद करेंगे, अगर तो उन्होंने कैश लेकर आना है पार्टनर्स ने तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैश बच गया है रियलाइजेशन के टाइम पर, आपने एसेट बेची सारी लाइबिलिटीज़ को पे बैक किया फिर भी पैसा बच गया, अब ये पैसा आपके पार्टनर्स का है तो अब पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये आपकी सेकेंड एंट्री पास हो जाएगी। अब आपने रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बंद कर दिया और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बंद कर दिया, अब एक अकाउंट आपका बच गया है दैट इज़ बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक आर पोस्टेड इन द कैश अकाउंट। जितनी भी एंट्रीज अब आपने की हैं जिस जिस में भी कैश आ रहा था वो आप सिंपली किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, कैश अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है आर क्लोज्ड बाय मेकिंग द पेमेंट फ्रॉम द बैंक, अगर उनको पेमेंट करनी है तो बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, या फिर उन्होंने पैसे लेकर आने हैं तो भी वो बैंक अकाउंट में हम पैसों को ऐड कर देंगे। इस तरह से बैंक अकाउंट का डेबिट साइड हमेशा ही क्रेडिट साइड के इक्वल होगा और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाऊँगी कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है और हम कैसे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।